हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल की डेट में हम वीडियो नहीं बना पाए उसके लिए सॉरी सो so अगर बात करें आज की डेट की तो ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम छह आईटी स्टॉक स्टॉक्स से रिलेटिव बातें करने वाले देखिए आईटी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टॉक्स में एक अच्छी खासी आपको जंप दिखाई देगी आज की डेट में भागते हुए दिखाई देंगे माइंड ट्री यहाँ पर चार पांच परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया अदर दूसरे स्टॉक्स भी है वो भी कोई दो परसेंट कोई एक परसेंट कोई तीन परसेंट इस तरीके से भागते हुए दिखाई दिए तो अगर हम बात करें उन स्टॉक्स में तो बाइंग है ही है उसमें तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट ऐसे पांच से छह स्टॉक्स और भी है जहां पर एक वैल्यू बाइंग जिसे कहते हैं ना कि उन जब उनमें रैली खत्म हो जाएगी ना तो इनमें रैली शुरू हो जाएगी और ये शेयर आपको दोबारा भागते हुए दिखाई देंगे और बेहतरीन रिटर्न आपको देते हुए दिखाई देंगे तो उन्हीं से रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरी वीडियोज को यहाँ पर लाइक करिए बाइंग सेलिंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है अपने शेयर खुद की स्टडी करनी है प्ले को गो थ्रू करना है दूसरे वीडियोज को जाके देखना है देखने पर आप वीडियो को चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इन स्टॉक्स को कब और किस कीमत पे आपको खरीदना चाहिए ना ही आप ताकि आप ऊपर लेवल पर बिल्कुल ना फंसे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो अगर हम बात करें एक सबसे पहले स्टॉक्स की तो देखिए यहाँ पर आ, हम बात करेंगे रामको सिस्टम की रामको सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो 1400 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी है ओके आईटी कंपनी है और इससे रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पर काफी बार हमने वीडियोस बनाई है हमारा बीस हम परसेंट तो आपको मिल ही जाएंगे बट बीस से ज्यादा हम कोशिश करें तो ऐसी कोशिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें आ, अभी तो बुल मार्केट चल रही है तो अभी किसी भी स्टॉक से मिल जाएगा बट हमें एक ऐसी हैबिट अपने आप को लगानी है कि हम जब ये बुल मार्केट भी ना चले ना तब भी हम पैसे आपका हाफ इसेंट पचास परसेंट तक इयरली बेसिस के की, है, और उसी 15 के की और डेट देखिए दस परसेंट के आसपास का कोई प्लेजिंग नहीं है और अगर हम यहाँ पर देखिए क्वार्टरली सेल्स तो कंपनी का जो सेल्स है एक साइड बेस पर कह सकते हैं दायरे में ही चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कंपनी के अगर हम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो इस बार का थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिया है तो इस वजह से अगर हम यहां पर देखें तो कंपनी पर थोड़ा सा हमें अगर हम देखते हैं तो गिरती हुई भी दिखाई दी है इसी रीजन की वजह से जो ये सिक्स के आसपास शेयर चल रहा था ये गिरता हुआ दिखाई दिया बट हम अगर बात करते हैं ईयरली सेल्स की तो कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है और यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहां पर दिखा रही है और यहां पर रिजर्व देखेंगे रिजर्व भी अच्छे खासे और बॉरिंग कंपनी ने अपने आप को कम करी है इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अच्छा खासा कर रखा है कैश कैश

acha que essa performance seria और आगे चल के भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस देगी तो देखिए इन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करें राम को सीमेंट्स की तो विजय केडिया सर ने तो यहाँ पर ये ये शेयर सेवेंटी फाइव रुपीज के आसपास लिया था फिर उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया अगेन उन्होंने इसी प्राइस के आसपास यहाँ पर शेयर लिया है और यहाँ पर एक अच्छा बहुत बेहतरीन यहाँ पर इसने यहाँ पर बेस बना रखा है पहले भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया था इसे यहाँ पर सपोर्ट लिया था यहाँ सपोर्ट लिया था तो इसे ही हम कहते हैं वैल्यू बाइंग मतलब

यहाँ पर दोबारा जब ये स्मॉल कैप और मिड कैप आई टी शेयर में बाइंग आएगी ना तो ये शेयर सबसे पहले होंगे जो आपको भागते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर पहले टारगेट की बात करें तो चालीस से पचास परसेंट का टारगेट तो यहीं पर ही नजर आ रहा है इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ये एटी सेवन परसेंट का भी टारगेट नजर आ रहा है जो कि ईजिल अचीवेबल है ऐसा कुछ नहीं है कि ये टारगेट अचीव नहीं होंगे थोड़ा टाइम लग सकता है बट ये टारगेट ईजिली अचीवेबल है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए काफी बेहतरीन कंपनी है ओके थोड़ा सा साइड बेस्ट जोन में चल रही है इस बार के रिज़ल्ट अगर अच्छे आते हैं इस कंपनी के तो ये शेयर दोबारा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा तो इसे अपनी रेडार पर रखिए इसके अलावा हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो भी आर सिस्टम इंटरनेशनल है आई टी से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप कंपनी तेईस करोड़ रुपए का मार्केट कैप है 26 का छब्बीस है और यहाँ पर लगभग रुपए के शेयर है डेट फ्री कंपनी है कोई प्लेजिंग नहीं है देखिए ये इतनी सारी पॉजिटिव चीजें होने के बाद अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा नहीं बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये एज फिर आप मार्केट में अच्छे खासे स्टॉक्स में यहाँ पर डील कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स की बात करें तो देखिए

पर जाता हुआ दिया था इसने पहले भी ही वीडियो बनाई थी और आपको बताया था दोबारा उसी लेवल पर आ गया और उसी लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए दो दिन से सपोर्ट ले रहा है और मुझे लगता है शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी यहाँ पर शेयर चल रहा है 220 का इसका बाई बैक है बट ये शेयर 220 वाला नहीं है मैं इसे एक सौ बीस से ट्रैक कर रहा हूँ इस शेयर को और ये इसी तरीके से धीरे धीरे करके धीरे धीरे कछुए की चाल चल चल के यहाँ पर दे, दे, बहुत कम समय में यहाँ पर ये शेयर 120 से 220 तक छाता हुआ दो सौ तक आता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर दस भी बढ़ जाता है ना तो वो भी समझिए बीस भी बढ़ता है तो आपको दस का प्रॉफिट होता है थोड़ा समझने की बात है <स्था> थोड़ा लंबे टाइम का यहाँ पर सोचिए चार पांच छः महीने इस शेयर को दीजिए फिफ्टी परसेंट तक के रिटर्न मुझे सा, सा हैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट कितने यहाँ पर अचीव होते वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर से इसे देखते लगाते इसका टारगेट तो कितना आता है सॉरी यहां पर एक बार देख लेते हैं इसके टारगेट ये ट्वेल्व परसेंट यहां से दिखा रहा है इसे उठा के हम यहां पर रख देते हैं तो लगभग लगभग यहाँ पर ये दो सौ सैंतीस साथ अड़तीस रुपए के आसपास का आ रहा है ये छोटे छोटे शेयर है धीरे धीरे बढ़ते हैं कछुओ की चाल से और अच्छे खासे रिटर्न देख जाते हैं दूसरा स्टॉक ये है इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर की तो इंटरलेक्ट डिजाइन आज भी दो परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया है डेट फ्री कंपनी है कोई शेयर प्लाइज नहीं है स्मॉल कैप कंपनी है इक्कीस का आर है और रिजल्ट की बात करें हाईस्ट एवर रिजल्ट हाई प्रॉफिट यहाँ पर तीन चार क्वार्टर से हाइस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टाइम से यहाँ पर साइडफे जोन में चल रही है रिजर्स अच्छे खासे है यहां पर देखिए एफ की होल्डिंग अच्छी खासी है थोड़ा सा बस वेट करने की जरूरत है मुझे लगता है कि यहां पर इंटल, जो ये इंटेलेक्ट

शेयर यही ही शेयर है जो भागते हुए दिखाई देंगे और रिजल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ या कमिंग यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो ये शेयर अगर हम बात करें दोबारा भागते हुआ दिखाई देगा सबसे पहले याद रखिएगा तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा एक बेहतरीन स्टॉक जिसे मैं आपको एक से रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ और यहाँ पर लगभग आपके पैसों को ऑलरेडी दोगुना कर चुका है स्मॉल कैप कंपनी है और जब यहाँ पर बात करिए ईवी की तो यहाँ पर हमेशा मैंने बताया कि ये कंपनी सबसे महत्वपूर्ण टाटा इलेक्सी की तरह यहाँ पर रोल प्ले करती हुई दिखाई देगी प्लेजिंग की बात करें यहाँ पर शेयर 1.44% परसेंट यहाँ पर शेयर प्लेस भी है और 19% परसेंट के यहाँ पर डेट भी नजर आता है बट कोई इशू नहीं है कंपनी हाईएस्ट अवर यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है और यहाँ पर अगर रिजर्व्स की बात करें रिजर्व नौ के 230 करोड़ के दो सौ तीस करोड़ की, की बात करें तो लगभग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पॉइंट ज्यादा जाद, शेयर यहाँ पर प्लेस भी नहीं है इनके एफ की बात करें एफ आई अच्छी खासी है डी आई यहाँ पर अच्छे खासी है पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है तो के इस शेयर की

अगर बात करें साइडवेज यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है और कभी भी जब बेहतरीन रिजल्ट आते हैं ना तो याद रखिएगा जब साइडवेज ऐसे स्टॉक चलते हैं तो दोबारा एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देते हैं ये यह देखिए यहां पर एक साइड फिर उसके बाद शेयर भागता हुआ दिखाई दिया फिर यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक साइड फिर उसके बाद अच्छी खासी रैली दोबारा यहाँ पर एक साइड बेस जोन और दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर जो की हम यहाँ पर नजर आ रहा है इ क्लर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए एएसएम की लिस्ट में सबसे पहली बात बट एएसएम में मैंने हमेशा देखा एएसएम की लिस्ट में जो भी शेयर आता है ना थोड़ा कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा गिरता है फिर उसके बाद से जो भागता है तो अपर सर्किट में भागता है और इस शेयर की तो पहचान ही है जब भी ये भागता है अपर सर्किट में ही भागता है स्मॉल कैप कंपनी 12 का डेट कोई भी शेयर प्लेज नहीं है आ, ROC, ROE, काफी सबसे ज्यादा बेहतरीन पर कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ईयर क्वार्टरली बेसिस पे हाइस्ट एवर रिजल्ट दे रही है इसके अलावा अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे भी देखिए दो तो सत्तावन करोड़ की सेल्स यहाँ पर सत्रह सौ चौदह करोड़ में हो गई है प्रॉफिट यहाँ पर अगर बात करें ईपीएस कंपनी का सबसे बेहतरीन बाल ईपीएस रिजर्व की बात करें चौदह चौदह सड़सठ करोड़ के रिजर्व बॉरिंग के बराबर एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपए की इसके अलावा बात करें यहाँ पर तिरपन परसेंट के शेयर यहाँ पर प्रोमोटर्स के आसों जिन्होंने अपनी सिले जून 2020 में बढ़ाई थी एफ आईज ने बाइंग करी है डी की होल्डिंग उन्होंने बाइंग करी है पब्लिक के पास देखिए शेयर यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हो जब पब्लिक के पास शेयर कम होते हुए नजर आते हैं ना तो समझ लीजिएगा इस शेयर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और ई क्रक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसका बाईबैक है बत्तीस के आसपास का इसका बाईबैक

बत्तीस uh, सौ का लेवल तो लगभग फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव परसेंट के रिटर्न यहाँ बनते हुए नजर आएंगे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए शेयर की देखिए यही यही खासियत है ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है उसके बाद यहां पर जब भी इसके रिजल्ट होते हैं यहाँ पर अच्छे रिजल्ट पेश कर देता है और सीधे भागता हुआ नजर आता है फिर साइड बेस फिर यहाँ पर देखिए ये अपर सर्किट लग लग के यहाँ पर तेरह सौ हुआ सत्रह सो का हुआ फिर इस अपर सर्किट फिर यहाँ पर एक साइड बेस जोन चल रहा है अगर बात करें यहाँ पर दो महीने से और फिर दोबारा यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा और अच्छे

ये स्टॉक्स है इनकी तरफ ध्यान दीजिए काफी बेहतरीन स्टॉक्स है ये जब भागना शुरू करेंगे तो ये इतने रिटर्न्स देंगे जो कि आप इंफोसिस में देख रहे हैं ना उसमें भी आपको नहीं मिले होंगे क्योंकि वो तो कम भागते हैं ये शेयर ज्यादा भागते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और दूसरों के साथ सब्सक्राइब भी कराइए खुद भी सब्सक्राइब करें नए आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर प्लस